नागपुर में भुक्ति प्रधान का चुनाव आदर्शगत तरीके से बता दीजिए फट से अभी हम लोग नागपुर भुक्ति कमेटी का इलेक्शन अभी लोग करने जा रहे हैं, तो इसमें इंस्ट्रक्शन देने वाली बातों को यह सब लोगों को पता है। फिर भी इस भुक्ति प्रधान चुनाव के लिए दो कैंडिडेट हमारे खड़े हैं जिनका नाम है पहले इस पर दादा ओम जायसवाल, इनका चिन्ह है स्वास्तिक, और दूसरे कैंडिडेट हैं दादा विशाल साड़वी जी, इनका चुनाव चिन्ह है उगता सूर्य। तो जब भी हम लोग वोट करेंगे तो यहाँ पर एक ओके का स्टैम्प दिया जाएगा आप लोगों को, अंदर रखा हुआ है, और ये भी है वहाँ पर इंक पैड भी है वहाँ पर, तो उस पर लेकर के ये जो लगाना है, और जब भी हम स्टैम्प लगा करके इसको फोल्ड करेंगे तो पहले लेफ्ट साइड के ये फोल्ड ऐसे दबाना है और उसके बाद में ये जो स्टैम्प वाला इसे, ताकि इधर का स्टैम्प चिपक भी गया तो इधर आएगा, बीच में नहीं आएगा। और एक बैलेट पेपर पे एक ही स्टैंप लगाना है, दोनों इस पर स्टैंप नहीं लगाना है, या तो बीच में भी नहीं लगाना है, सब लोगों ने बराबर स्क्वायर में लगाना है। किसी को कोई दिक्कत है नहीं? चलो परमपिता बाबा की फोल्डिंग का लेफ्ट साइड का जो है पहले इसको दबा देना इस साइड में ऐसा, और ये जो हम जहाँ आप लोगों ने स्टैंप मारा है उसको ऊपर से देना है इसे, और ये बैलेट पेपर को बॉक्स में डाल देना है इसे करके, ताकि यदि इधर का इंक जो है डबल इधर नहीं लगेगा, पीछे के साइड में आ जाएगा फोल्ड करते समय। ऐसा नहीं होना की थोड़ा भी उधर का नहीं है तो इन्वाइट हो गया, ऐसा कोई सरकारी काम मत करो, जहाँ कंफ्यूजन हो जाए कि बीच में मार दिया या दोनों तरफ मार दिया तो पता ही चलेगा किसको मारा, तो वहाँ परमपिता बाबा की वोटिंग शुरू करते हैं। वोटर लिस्ट मेरे पास है, वोटर लिस्ट के हिसाब से मैं नाम लेते जाता हूँ और वहाँ जाके साइन करना है और अपना वोटिंग पेपर लेके बाबा के रूम में बाबा के समक्ष वोट देना है। तो सबसे पहले लिस्ट के हिसाब से मैंने सभी का नाम इसमें रखा हुआ है, नागपुर के डीएस भी है, डीएसएल भी है, वो नागपुर के डीएस, नागपुर के डीएसएल दोनों प्रेजेंट नहीं है। उसके बाद हमारे थर्ड वोटर है दादा दीपक पांडे जी, वोटिंग शुरू किया जाए, दीपक दादा सामने आए और वोटिंग करते वोटिंग बूथ पे जाए। परमपिता बाबा की जय, परमपिता बाबा की जय, परमपिता बाबा की जय। तो हमारे पहले वोटर अभी बाबा रूम में बाबा के समक्ष पहला वोट डालने जा रहे हैं, तो उनका अभिवादन करें तालियों के साथ, सब लोग ताली बजाते हैं। परमपिता बाबा की जय, परमपिता बाबा की जय। उसके बाद हमारे पांचवे वोटर है तालियों के साथ स्वागत कीजिए, बहुत बड़ा काम करके आ रहे, थोड़ा
सब लोग एक्साइटमेंट बना के रखिए ताकि वोटर देने वाले को भी थोड़ा सा जोश आए। उसके बाद दादा प्रशांत है वो तो अपील कर लिया तेरा वोट मुझे मेरा तुझे ओम दादा सब नागपुर यूनिट की तरफ से आपको बेस्ट ऑफ लक। कैसा लग रहा है ओम दादा आपको? तो जयसवाल मम्मी आई नहीं है तबीयत खराब होने की वजह से। उसके बाद ज्योति द्विवेदी कौशिकी द्विवेदी एक्सपीरियंस ले लीजिए क्योंकि इसके बाद नेक्स्ट टेन्योर में आप लोगों का भी चांस होगा। दीदी सारिका राय के बाद सारिका राय के बाद दादा रामचंद्र नारेकर जी आएगा प्रेजेंट आएगा। नारेकर दादा काय असतात आणि मोटिवेट करत असतात आपल्याला मधी मधी तुम्ही नंबर सांगा ना किती वोट आहे अच्छा वोटिंग त्याच्यानंतर दीदी नारेकर दीदी बाबा रूम मध्ये गेले होते ना बाबा काही तो म्हटलं असं पीसी करून या थोडस दादा का 10वां वोटिंग है नंबर 10 के वोटर अभी बाबा रूम में जाएंगे बाबा के समक्ष वो वोटिंग करेंगे अपने मनपसंद उम्मीदवार को उनके चुनाव चिन्ह पे ओके करके बहुमत से विजय दिलाने की कोशिश करेंगे। दादा निशिकांत नारेकर आमचे सिंगरच्या मागे मागे त्यांची सिंगर गायिका आमची प्रिया नारेकर आग्रह आहे की त्यांना आपलं बहुमत मतदान करावं भाऊजीसाठी अळा होऊन द्या मग त्यांच्यानंतर त्यांचाच नंबर आहे दीदी रंजना वाढते ऑर्गेनाइजेशन कर देंगे ब्लेम करेंगे तो जाने तो फिर जेल में चले जाएंगे हम बाबा के लिए जेल में चले जाएंगे अभी से शुरू भाईच्या नंतर आमचे दुसरे उमेदवार हमारी भक्ति का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं अगर ओम दादा के आगे निकल गए तो उसके बाद हमारी माधुरी साळवे
माजुर साळवे के बाद दीदी सुशीला साळवे आई ने आलो दादा विशाल साळवे जी आपको कैसा लग रहा अभी खुद का मतदान करते हुए ओम दादा बाबा अरुण छेड़के खाली है अरुण शेळके नंतर आशा शेळके बाबाला यायला वेळ लागेल तोपर्यंत आई आशा शेळके दीदी प्रभावती शेळके गायब आहे बहुतेक जेवण चालत असेल आजकाल त्या जेवण वाटायची चारायची जिम्मेदारी जास्त घेऊन राहिलेल्या आहे रूपाली शेळके नंतर प्रभात वाघ अपसेंट आतापर्यंत 24 मतदान झालेले आहे काळा बाजाव रेकॉर्ड तोड मतदान आहे रेकॉर्ड तोड कारण की आतापर्यंत एकही मतदान नव्हतं झालं आता 24 झालेलं आहे आतापर्यंत 25वा नंबर आहे रेक्टर दादा अपसेंट आहे ते लाडके साळे आहे ते म्हणून त्यांचं प्रेम जास्त आहे आणि ऍक्टिव्ह कार्यकर्ते आहे आपल्या नागपूर मुक्तीचे कुठेही म्हटलं कुठेही काय बाबाला जाऊ द्या त्यानंतर उमेश सपकाळ त्याच्यानंतर आई आतापर्यंत 29 मतदान झालेले आहे 29 मतदान झाले त्यानंतर कोणाला कार्ड टाकतो